बालियात्रा पड़िया उड़ुची अंतरराष्ट्रीय गुड़ी देखा पिला मान भिड़ बढ़ुची और पिला मान को कर्मशाला माध्यम से शिखा जाऊँगी प्रकृत में गुड़ी केमती तैयारी हुए और गुड़ी केमती उड़े आम साधारण देखुचु कागज गुड़ी देखीचु जरी गुड़ी कि देखीचु कि भिन्न ढंग गुड़ी जो गुड़ी सब सीबीस मान पाखे उड़ी थाए रिवर फ्रंट एरिया जो जहाँ उड़ी थाए बर्तमान कटक बालियात्रा देखा मिलूँ और बर्तमान दृश्य देखे आपको देखी पार्थे ये इंटरनेशनल काइटिस्ट जी अच्छा राजेश नायर से केरल जहाँकि स्कूल पिला किसी कर्मशाला करते कर्मशाला मध्यम पिला शिखाई किपर भाव में गुड़ी तैयारी करेंगे गुड़ी को उड़े और सहित गुड़ी दृश्य जो देखिए आप किपर भाव सुंदर ढंग से गुड़ी सब को बर्तमान ये नई पाखे कटक महानदी जो गड़गड़िया घाट जो बालियात्रा होती इंटरनेशनल गुड़ी बा अंतरराष्ट्रीय गुड़ी बर्तमान कि भाव में उड़ा जाऊँ देखुए कि सुंदर भाव में गुड़ी सब या सब गुड़ी एटी हाथ तैयारी गुड़ी रही जहाँ कि राजेश नायर कहीं टीम लगी समस्ते गुड़ी तैयारी करके महानदी जो सुसू हो जो पवन बोहू से पवन में ये गुड़ी को बर्तमान से उड़ाऊँ और आम सीधा सड़क जी आलोचना अंतरराष्ट्रीय काइटिस्ट अच्छा राजेश नायर सहित आलोचना करवा सर वेलकम अर्गस न्यूज सर जो है इंटरनेशनल काइटिस्ट जो आप तो मतलब जो सब दिख रहे हैं हमको यहाँ पर काइट सब जो दिख रहे हैं ये सर मतलब कैसे आपके मतलब दिमाग में आया और इसको डेवलप करने के लिए आप कब से शुरू किए हैं ये काम सी काइटलाइफ फाउंडेशन पर से करीब 20 साल के एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मैं खुद पतंग उड़ा रहा हूँ बचपन से आप कौन सी क्लास में चौथे क्लास से मैंने शुरू किया था तब तो ये फेस्टिवल कुछ नहीं था देन धीरे धीरे थोड़ा और आशा बढ़ गया लाइक क्या क्या और बना सकते हैं तो आजकल जब से ये नॉलेज हुआ उसके लिए हमने एक मटेरियल ढूंढा क्योंकि वो सस्टेन होना चाहिए पेपर में करेगा तो फट जाएगा सो ऐसे करके रिपस्टॉप नाइलॉन आया देन नाइलॉन से हम नाइलॉन ये सब लेके हम यूज खरीद बनाने ये सो जितना भी आप दिख रहे हैं ना सारा नाइलॉन रिपस्टॉप नाइलॉन वगैरह है ये थोड़ा कॉस्टली है ये इसलिए व्हाट हैपेंस हम आराम से बैठ के उसको बना के महफूज लिए रखते हैं और झांचा भी हमको बुलावा आता है जाता है काइट वर्कशॉप मेरा एक और पेशा है जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और उस तरीके से बच्चे और भी नए नए तरीके इनको मालूम हो जाते हैं और जिस तरीके से वो बनाते हैं जैसे आप खुद आपके सामने टेस्टिमोनी है दे आर वेरी हैप्पी एंड वंस दे आर हैप्पी वी आर ऑल्सो हैप्पी एंड काइट एक ऐसी चीज है डिमिनिशिंग आर्ट था बट 50 ईयर्स अबव अगर आप देखें इंडिया की इस तरफ स्टोरी बहुत इंटरेस्ट आ गया काइट में बिकॉज काइट में काइट स्पोर्ट है काइट आर्ट है काइट आर्ट जल्दी बना सकते हैं बट काइट स्पोर्ट आपको सीखना पड़ेगा जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं उसी हिसाब से आई एम ऑल्सो हैप्पी टू से दैट काइट स्पोर्ट ओलंपिक में भी शामिल होने वाला है इस साल उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आगे इंडिया में भी टीम बनेगा हमारा कोशिश वो भी है ताकि इंडिया से भी रिप्रेजेंट करके कोई जाए वो सिंक्रोनाइज काइटिंग कहते हैं स्पोर्ट्स काइटिंग कहते हैं जो एक्रोबैटिक काइटिंग्स होते हैं ग्रुप में है सिंगल में है एक बंदा 3 काइट उड़ाने वाला है एक बंदा 4 काइट उड़ाने वाला है और एक ही काइट के जैसे 20 काइट 20 लोग एक ही ड्रिल में उड़ाते हैं ये सब है स्पोर्टिंग में और इसके स्पोर्टिंग एसोसिएशन है लंदन बेस्ड हम उनके साथ जुड़े हुए हैं सो वी आर प्लानिंग टू होस्ट सम प्रोग्राम लाइक दैट वेरी सून एंड प्लस काइट वर्कशॉप काफी काइट वर्कशॉप करे हुए हैं काइटिंग एक पैशन है और पैशन ही अपने को आगे लाइफ में देते हैं और बढ़ाते हैं दैट इज काइट लाइफ फाउंडेशन आप लोग एक, एक फेस्टिवल मतलब जाते हैं पे कुछ मेला होता है फेस्टिवल होता है फिर गुजरात में कैपिटल काइट कैपिटल कह सकते हैं गुजरात अहमदाबाद प्लस केरला में हमने शुरू किया है कर्नाटका में है महाराष्ट्र में है दिल्ली में है बट इसके बाद बाहर इंडिया भलक देशों में भी है 152 कंट्रीज काइट फेस्टिवल हो रहे हैं ऑलमोस्ट 17-20 कंट्रीज तो मैं जा चुका हूँ तो काइटिंग सब जगह कभी हमने ओरिया सोचा नहीं 2019 में एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे थे और अभी जाके कोविड के बाद आके ये अभी सफल हुआ है आगे भी आएंगे देखेंगे उड़ीसा में हम जो इतना पतंग यहाँ पे उड़ाते हैं सबका क्या वैरायटी नाम होता है यहाँ हम ढबा गुड़ी बोलते हैं चेंग गुड़ी बोलते हैं अगर तो एक आपको जो इंटरनेशनल जो पतंग सब उसका सब क्या क्या सब नाम सपोज ये है ग्रीन डॉल्फिन जिंदगी में कभी किसी ने भी ग्रीन डॉल्फिन तो देखा नहीं है अपने बना के डाल दिया ये है स्क्विड इसका जेली फिश ये है रोकाकू ये जापानीज मॉडल काइट है और ये है पॉइंटर जो आप दूसरे काइट देखे थे वो थेयम है खास करके काइटलाइफ फाउंडेशन हमसे ये कोशिश करते हैं इंडिया के जितना भी जो कल्चर है जैसे तेयम हो गया कल्चरल आर्ट भरतनाट्यम हो गया या मंगंदर हो गया अभी हम हमारे दिमाग में जगन्नाथ पुरी का एक काइट बनाने का सोच रहे हैं
इस तरीके से इन्फ्लेटेबल वाला। सो आगे बार अगले आएंगे तो तब तक बन जाएगा। तो जैसे हमारा नाम है उनका उसका भी नाम है। एंड काइट को हम टू बी वेरी ऑनेस्ट वो डिविनिटी मानते हैं। वी डोंट टच इट बाय आवर फीट यू नो। एंड वी ऑल्सो डू मिनी एक्टिविटीज। अगर हवा नहीं है, हवा के बिना भी जाने वाला पतंग है। कल हवा नहीं था, क्या किया हमने, बाइक में पकड़ के ऐसे पूरा घुमाया। हमने कोशिश किया बोट में भी करने के लिए, वो थोड़ा मुश्किल था, बट हम आज कोशिश करेंगे। तो ऐसे हवा जैसे बरा दिया जाता है तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और लोगों का मनोरंजन है कलर है। आप देखो खुद स्काई में कुछ नहीं है, ब्लू स्काई में अलग अलग कलर भेजेगा, इट्स लाइक ए पेंटिंग द स्काई। सो इस तरीके से लोग आते हैं। एंड वंस यूनिवर्सल फैसिनेशन है, सबको पसंद है यार, भाईचारा बढ़ता है, दोस्ती बढ़ता है, कुछ न कुछ बातें करने के लिए आपको एंगेजमेंट का टाइम मिलता है। ये सब चीजें हैं, खाना पीना खाना हो, बीच में पतंग उड़ाओ, वही है कटक का माहौल। क्योंकि कटक में ये वालियात्रा जो इंटरनेशनल फेस्टिवल हम इसको कहते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फेयर मेला इसको हम कहते हैं, तो ये माहौल कैसा लगा आपको यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली काफी साल मैं पत्रकार रह चुका हूँ, मैं कब जगह गया हूँ, बट बाली यात्रा के बारे में मैं जानता हूँ पहले से, बिकॉज वी डू गो टू फेस्टिवल लाइक इन बाली, आई मीन इंडोनेशिया वगैरह, हर देश में हम जाते हैं तो उसके बारे में मालूम है। बट उड़ीसा में एक ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं इंटरनेशनल काइट में भी बने, तो एक अच्छा जगह इधर नदी किनारे या ग्राउंड हो, बड़े से ग्राउंड चाहिए। तीन चार लोग जैसे आ गया तो उनके लिए ठीक है, बट बड़ा फेस्टिवल के लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए। और बाली यात्रा एक ऐसे है एक्सचेंज प्रोग्राम है, हम सोच रहे दिमाग में कुछ चल रहा है, अगले साल अगर हो जाए उस तरीके से हम ले आऊंगा पतंग। आलोचना करते इंटरनेशनल काइटिस्ट राजेश नैयर, और जहाँकि से आम सहित आलोचना करी कहले जे गुड़ी जिते बड़े तैयारी करती से अंतरराष्ट्रीय स्तर गुड़ी तैयारी करती, भाईचारा तैयारी करता है गुड़ी उड़ाटा, और ता सहित विभिन्न रंग बिरंगर गुड़ी जहाँकि आप पाखे से उड़ा जाए, ता सहित नदी मानक रिवर फ्रंट आम कहूँ से उड़ा जाए, से सहित से पिला कर्मशाला मध्यम प्रशिक्षण करते कि भाव में गुड़ी तैयारी हम गुड़ी उड़ी और आगामी समय में अलंपिक गुड़ी स्पोर्ट्स गुड़ी क्रीड़ा जीवर जहाँकि योजना रही सहित जो पिला बर्तमान ये शिक्षा दिगला, खास करके कटक बालियात्रा से आटक बालियात्रा में बर्तमान पिला कर्मशाला मध्यम शिक्षा प्रदान कर दृश्य आज किसी देखे कहीं दृश्य जहाँकि रोचे आखि दृश्य दृश्य रोचे आखि दृश्य यही गुड़ी सब रही जहाँकि अंतरराष्ट्रीय स्तर गुड़ी सब रही है, जेहतु उड़ाइवाई टीम पूरा पूरा लगी रही पिला कर्मशाला मध्यम प्रशिक्षण दि जाऊँगी। ये महानदी कूल जोपुर भाव में सुस हो पवन बहुत से पवन में यही रंग बिरंग गुड़ी रही तार विभिन्न ना रही जहाँकि राजेश नैयर कहते कटक्र जो महोल को देखिए गोटे गोटे खुशी व्यक्त करते गुड़ी को लेकिन से बर्तमान पिला आहरी प्रशिक्षण देवे आग्रही आगामी समय में जदि आर वर्ष बालियात्रा पुणि थर हुए से प्रभु जगन्नाथंकर गुड़ी तैयारी करेंगे ताकु से उड़ेबे या सहित ओडिशा एवं ओडिशार पिला मानको आहुरी से प्रशिक्षण देवाई आग्रही अछंती। कटकरु वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।